लगातार बढ़ता जा रहा था। एक बड़ी दिक्कत ये भी थी कि जो खाद उपलब्ध थी उसका इस्तेमाल चोरी छिपे खेती के अलावा और भी कामों में गुपचुप चला जाता था। इसलिए देश भर में यूरिया की किल्लत तब सुर्खियों में रहा करती थी। किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती थी। ऐसी स्थिति से देश को निकालने के लिए ही हम एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। हमने तीन सूत्रों पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक, हमने यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, यूरिया की 100% नीम कोटिंग की। दूसरा, हमने करोड़ों किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिए ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके खेत को किस तरह की खाद की जरूरत है। और तीसरा, हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स को फिर से खोलने पर हमने ताकत लगाई। इसी अभियान के तहत गोरखपुर के इस फर्टिलाइजर प्लांट समेत देश के 4 और बड़े खाद कारखाने हमने चुने। आज एक की शुरुआत हो गई है, बाकी भी अगले वर्षों में शुरू हो जाएंगे। साथियों, गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू करवाने के लिए एक और भगीरथ कार्य हुआ है। जिस तरह से भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए थे, वैसे ही इस फर्टिलाइजर प्लांट तक ईंधन पहुंचाने के लिए ऊर्जा गंगा को लाया गया है। पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत हल्दिया से जगदीशपुर पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन की वजह से गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट तो शुरू हुआ ही है, पूर्वी भारत के दर्जनों जिलों में पाइप से सस्ती गैस भी मिलने लगी है। भाई और बहनों, फर्टिलाइजर प्लांट के शिलान्यास के समय मैंने कहा था, इस कारखाने के कारण गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में विकास की धुरी बनकर के उभरेगा। आज मैं इसे सच होते देख रहा हूं। ये खाद कारखाना राज्य के अनेक किसानों को पर्याप्त यूरिया तो देगा ही, इससे पूर्वांचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। अब यहां आर्थिक विकास की एक नई संभावना फिर से पैदा होगी, अनेक नए बिजनेस शुरू होंगे, खाद कारखाने से जुड़े सहायक उद्योगों के साथ ही